अच्छा मंदिर के सामने, बालाजी के मंदिर के सामने ही हमने गेस्ट हाउस लिया है। यहाँ पे बालाजी भगवान की आरती हो रही है। इसे आए थे, आपको कैसा लगा वहाँ पे? अच्छा लगा, बट बहुत ज्यादा भीड़, धक्का मुक्की, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की है यहाँ। करीब 20 साल पहले आया था यहाँ पे, काफी कुछ चेंज हो गया है और काफी अच्छा बना दिया है। कितनी भी भीड़ आ जाए, बड़े आराम से सब लोग दर्शन कर सकते हैं। भाई देखो, भाई देखो कितने आराम से घूम रहा है। जय श्री राम। ये बालाजी मंदिर के सामने, बिल्कुल सामने राम मंदिर है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और बालाजी के दर्शन के बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं श्री राम के। बोलो श्री राम की जय। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, बहुत सफाई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। यहाँ पे राधे कृष्णा का मंदिर है। ये समाधि वाले बाबा है, अभी ये बन रहे हैं यहाँ पे। सुनाई कर रहा मेरे बाबा, यहाँ जलेबी का भोग लगता है, नहीं इन्नू नहीं लगता, ये बन रहा समाधि बन रही है। ये समाधि कौन बनी, देखिए बन रही है, तीन पहाड़ का रास्ता देखो भाई, बच्चों ने कुछ खुआ ये पैसे मांगा है। ये बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं हम, उसके जस्ट सामने ही राधा कृष्ण का मंदिर और श्री राम मंदिर है। यहाँ पे श्री राम मंदिर है, ये बालाजी के यहाँ से डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं। और हम जा रहे हैं तीन पहाड़। देखो ये भक्तगण है, एक अंदर गली में पतली सी गली है, यहाँ से सीढ़ियाँ है। ये तीन क्या है, तीन पहाड़ वाले, तीन पहाड़ का रास्ता है, तीन पहाड़ पे जाने का, सात पहाड़ का भी अलग उधर, वो पतली साइड है। ये परवीन हमारे को अभी आगे मिल गया है, ये अपनी मम्मी को देख रहा है कि भाई रास्ते में मिले। आओ थोड़ा वो वहाँ पे ऐसा। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ये देखो पूरा हमने सब लिया है दूध का, शिव भगवान के लिए, और शिव भगवान पे हम दूध चढ़ा रहे हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जैसे आधे सही था तू। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय श्री शंकर। जय श्री शंकर बोले ना सदा तेरे। अभी हम यहाँ आए हैं तीन पहाड़ के रास्ते पे, यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। अभी हम तीन पहाड़ के ऊपर आए हैं, यहाँ से कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, हम बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी बना रखी है, और इधर से हम सीढ़ियों तक जा रहे हैं। देखो बुगी कैसे एंजॉय करता जा रहा है। और जैसे ही आगे चले तो माता रानी का मंदिर आया, काली माता का मंदिर, के अंदर बार लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा। सारे भक्त बैठे बैठे भजन सुन रहे थे, नाच रहे थे, तो मेरा भी मन किया नाचने का, तो मैंने भी बुगी के साथ थोड़ा सा नाच लिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ देख के मन कर रहा था थोड़ी देर यहीं बैठ जाए। अभी हम तीन पहाड़ पे आए हैं, यहाँ पे तीन पहाड़ हैं जिसपे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं,
और वहाँ से ऊपर से देखने में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे, कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे खेत भी है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी दुकानें बना रखी हैं, मंदिर बने हुए हैं। तीन पहाड़ से हम आ गए हैं प्लेन रास्ते पर। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, ये देखिए। ये लोगों ने अपने किसी काम जिनके पूरे हो गए हैं, संकट दूर हो गए हैं, उन्होंने अपने यादगार में ये बनाए हुए हैं, ये देखो। आखिर हम पहुंच ही गए। ये है तीन पहाड़, शक्ति सतारा, तीन पहाड़। अभी एक घंटे की चढ़ाई चढ़ी है हमने पूरी। यहाँ पे विश्राम गृह बना रखा है और यहाँ पे दुकानें हैं प्रसाद की। जय बाबा हनुमान, जय बालाजी महाराज। ये पंचमुखी पहाड़ वाले पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। माँ ऐसी चीज दुनिया और भगवान है, जिनको भूत प्रेत आते हैं यही संकट सब दूर होते हैं। जैसे ये गर्दन घुमा रहे हैं, ये भक्त हैं जिनके अंदर संकट आया हुआ है। अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए नींबू पानी पीने के लिए, प्यास लगी हुई थी। अब हम उतर रहे हैं तीन पहाड़ से और देखो हम कितनी ऊंचाई पे हैं। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ मिट्टी के पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, देखो। इतनी दूर से चलते चलते बिल्कुल थक गए हैं और थकार के बैठ गए हैं, हम यहाँ बैठ गए हैं। और इधर ये देखो अमन, अब गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी है। लस्सी वैसे कुछ खाया नहीं है, बस थोड़ा पानी पिया है, थोड़ी सी लस्सी पी थी। अब पता नहीं वो क्या ले रहा है पीछे, थोड़ी देर बैठते हैं फिर आगे चलेंगे। देख रहे हैं रूम, ये रूम देखे अभी, ये डबल बेड और ये सोफा लगा रखे हैं। तो जी अभी खड़े हैं हम बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने और हमने हमने यहीं पे होटल लिया है, ये देखो। इसके बिल्कुल बालाजी के मंदिर के बिल्कुल ये मंदिर है और ये हम खड़े हैं, ये होटल के बिल्कुल मंदिर के सामने लिया है, ये देखो। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है मंदिर के सामने। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मंदिर में कितनी भीड़ है। मंदिर के सामने इसलिए लिया है कि जब हम चाहे दर्शन कर सकते हैं बालाजी के। एक बार हमने कर लिए दर्शन, सुबह के टाइम कर लिए हैं, अब शाम को करेंगे आरती में। अब आरती लेंगे बालाजी भगवान की और चीटे लगाएंगे, फिर दर्शन करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको व्यू एक बार, देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे भीड़ मंदिर के सामने कितनी भीड़ लगी, ये देखो। अब बालाजी भगवान की आरती स्टार्ट होने वाली है और ये देखो मंदिर अंदर से साफ होने लग रहा है। ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखो इतना क्राउड है, इतना क्राउड यानी इतनी भीड़, इतनी भीड़ है मैं बता नहीं सकती आपको, पीछे तक भीड़ है, ये देखो कितनी भीड़ है। मैं हाँ अपने होटल के छत से हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको व्यू यहाँ का, ये देखो मंदिर के सामने, बालाजी के मंदिर के सामने ही हमने गेस्ट हाउस लिया है ताकि हम आराम से दर्शन कर सकें। जब हमें लगे कि यहाँ पे भीड़ कम है तब जाके हम दर्शन कर सकें। एक बार दर्शन कर चुके हम, हम एक बार सुबह दर्शन कर चुके हैं। अब जैसे ही हम आरती स्टार्ट होती है, आरती शुरू होने के बाद छींटे लेंगे, यहाँ पे छींटा लगाते हैं भक्तों को, उसके बाद फिर हम शाम को आराम से रात को जब भी हमें लगेगा कि भीड़ कम है हम जाके दर्शन कर लेंगे। ये देखो जय बालाजी, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, आरती का टाइम हो रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, ये देखो इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखो कितना रस है पीछे तक। मेरा कैमरा नहीं पहुँच पा रहा है पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, गली भरी है। ये मंदिर का रास्ता है, मेन रास्ता,
ये देखो भीड़। अब हम भी जाएंगे नीचे, आरती लेंगे, छीटा लगवाएंगे, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तो अभी ये आरती स्टार्ट हो गई है बालाजी भगवान की, और हम अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल के बालकनी में खड़े हैं और यहीं से देख रहे हैं कि बालाजी की आरती हो रही है। और अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, नीचे से ही आरती लेंगे, और आरती के बाद जो छीटे लगते हैं ना, वो छीटे लगवाने हैं हमने अब आज सोनू को, तो छीटे भी लगवाएंगे और देखते हैं जैसा भी रहेगा आपको बताते जाएंगे। अभी थोड़ी देर यहीं खड़े रहते हैं और फिर जैसे भी थोड़ा सा टाइम चलता है ना, फिर हम जाएंगे नीचे। अभी हम नीचे जा रहे हैं। नीचे आए थे, आपको कैसा लगा वहाँ पे? अच्छा लगा, बट बहुत ज़्यादा भीड़, धक्का मुक्की, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की है। बहुत परेशान हो गए ना? परेशानी हुई है, कोई नहीं देखता किसी को भी, कोई मरे जिए, गिरे उठे, किसी का दुख हो जाए, कोई मतलब नहीं है। कितने लाखों आदमी आए हुए हैं, ये देखो, मैं देखो दोबारा से दिखाऊंगा। भीड़ मैंने आज पहली बार देखी है।